रांची के सर्कुलर रोड में ली डिजायर कॉम्प्लेक्स के चौथे तल पर चल रहे बैम्बू इंटरनेशनल स्पा सेंटर में शनिवार देर रात पुलिस ने छापेमारी कर जिस्म फरोशी के धंधे का भंडाफोड़ किया। कार्रवाई में 3 विदेशी समेत 8 महिलाएं और 6 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस रेड के बाद स्पा सेंटर में अफरा तफरी मच गई। पुलिस छापेमारी के दौरान कई लोग स्पा परिसर में बने हुए विशेष कमरों में आपत्तिजनक हालत में थे। मौके से आपत्तिजनक सामान, 13 मोबाइल फोन, लैपटॉप भी बरामद किए गए। पुलिस की यह कार्रवाई स्पा की आड़ में जिस्म फरोशी का धंधा चलाने की सूचना पर सिटी डीएसपी कुमार वेंकटेश रमन के नेतृत्व में लालपुर थाना पुलिस ने की। लालपुर के थानेदार आदिकांत महतो के फर्द बयान पर केस दर्ज कर होटवार जेल भेज दिया गया है। जेल जाने वालों में स्पा का संचालक एवं दिल्ली के छतरपुर का गौरव अग्रवाल, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के सादरपुर की एक महिला, थाईलैंड की 3, पश्चिमी बंगाल की 2 और रांची की महिला शामिल है। वहीं हरमू हाउसिंग कॉलोनी, पुदांग रोड, जोड़ा तालाब रोड और अपर बाजार इलाके के रहने वाले ग्राहकों को जेल भेजा गया है। इधर स्पा संचालक से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। बैम्बू इंटरनेशनल स्पा सेंटर में 1,00,000 रुपए तक का शुल्क अदा कर लोग सदस्य बनते थे। यह शुल्क सालाना होता था। स्पा का संचालन करने वाले गौरव अग्रवाल ने स्पा में बहाल सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए 2 तरह के पैकेज ग्राहकों के लिए बनाए थे। इसमें से एक पैकेज 17,000 से लेकर 1,00,000 रुपए का और दूसरा 3,000 से 15,000 रुपए तक का था। इधर बताया गया कि स्वयं को थाईलैंड का निवासी बताने वाली 3 महिलाओं के कागजों की जांच की जा रही है। जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि जेल भेजी गई 3 महिलाएं वास्तव में थाईलैंड की रहने वाली हैं या फिर नहीं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।